सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना और चोरी करना, यह तीनों आदतें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है। जो इंसान आपकी जीत के लिए खुद हार मान ले, उस इंसान से आप जीवन में कभी नहीं जीत सकते। महान व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता और अभिमानी व्यक्ति कभी महान नहीं होता। आज का पंचांग 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 7:03 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आत्रा नामक नक्षत्र रात्रि 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:30 से 5:56 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, आप अभी सामाजिक मूड में हैं, मनोरंजन और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रख रहे हैं। अपने परिवार के लिए समय निकालें, घर के बुजुर्गों और बच्चों के साथ वक्त बिताएं, नए मौके का मजा लें, किंतु समझदारी से निवेश करें, सोच समझकर काम करें और अपनी विवेक को नजरअंदाज ना करें। जो भी आप करते हैं या जहां भी आप जाते हैं, उपलब्धि की भावना हर समय आपके साथ रहेगी। आपके आत्मविश्वास का स्तर आज ऊंचा होगा और नम्रता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। किसी भी परेशानी से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। आपके द्वारा उठाए गए छोटे कदम भी एक महान भविष्य की शुरुआत है। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। व्यवसायियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से बचें। आपको अभी भी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगी। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर सकता है, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। बेहतर भविष्य की योजना बनाना कभी बुरा नहीं होता। आज के दिन का अच्छा प्रयोग आप उज्जवल भविष्य की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच कर परेशान हो। ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपके घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। यह समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटे मोटे बातों को नजरअंदाज कर देने का है। कुछ समय आत्मचिंतन अथवा एकांत में भी व्यतीत करें, इससे आपको कोई निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर परिवारजनों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। किसी प्रिय मित्र से भी मुलाकात होगी। जिन बातों में सुधार करना चाहते हैं, वह वक्त के अनुसार होगी। अभी के समय में इन बातों की तरफ ध्यान देना बंद करें और खुद को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। सेहत संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए डॉक्टर या डाइट्रिशियन की सलाह लें। काम से संबंधित रुचि कम होने से निराशा हो सकती है। पार्टनर से अपेक्षित जवाब जल्दी ही प्राप्त होगा। बदन दर्द की तकलीफ बढ़ने की संभावना बन रही है। आज भाग्य आपके साथ है, मांगलिक कार्य में सहभागी होंगे। आपकी वाणी मधुर होगी, इस कारण दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप अपनी चतुराई और बुद्धि से कार्यों को सफल बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। सावधानियां, भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं।
इसलिए किसी की मदद करने के साथ साथ अपनी स्थिति का भी ध्यान रखें। थोड़ा व्यवहारिक और स्वार्थी होना भी जरूरी है। नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन सुखद व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां ना उत्पन्न होने दें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आज आप डिवाइन लव को महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में डिप्लोमेंट होना बेहद जरूरी है। नए अनुभवों के लिए कुछ अलग करने से पीछे न हटें, अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और रोमांस के सपन लोक में खो जाएं। अचानक कोई अलगाव भी आपको प्रभावित कर सकता है। आज जहां भी जाएंगे सफलता आपके साथ होगी। आपका पार्टनर आपसे बहुत उम्मीदें रखता है और आप भी इन्हें पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे। आपका आत्मविश्वास आपके रिश्ते को रंगीन करने में जादू जैसा काम कर सकता है। अगर रिश्ता नया है तो उसे अतिरिक्त समय दें। आप अपने प्यार की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आप अपनी भावगंभीरता के द्वारा उससे तो आप अपनी भावगंभीरता के द्वारा उसमें एक नई जान फूकेंगे। अगर आप एकल हैं तो आप एक संभावित साथी को ढूंढने के लिए सामाजिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। आपके प्रयास सराहनीय होंगे और आपकी प्रेम से भरी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आएगा। बात करते हैं करियर की। अगर आप अपनी क्षमता से कार्य करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रयासों को उदारता से पुरस्कृत किया जाएगा। तो अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी ओर से की गई कोई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। हालांकि दिन मैत्रिक लाभ के लिए शुभ है। आपका पिछला निवेश आपको अच्छी आमदनी दे सकता है। पेशेवर डर और अराजकता के कारण आज आपका मूड ऑफ हो सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से आप हर कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा सब्र रखें। इस वक्त दिन से थोड़ा समय मनोरंजन आनंद और आराम के लिए भी निकालें। आज आप जो भी करेंगे या जहां भी जाएंगे अच्छा ही महसूस करेंगे। इस समय का प्रयोग कुछ खास करने किसी भी अवसर का पूरा फायदा उठाने में करें। आज आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे लेकिन नम्र बने रहें ताकि लोग आपकी तारीफ करें और आपको समझें। आज हर काम में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। कार्य की प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों को पूरा करने में आपको किसी प्रभावशाली इंसान की भी मदद मिलेगी। मन मुताबिक जिम्मेदारियां भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु कभी कभी किसी प्रकार की लापरवाही नुकसानदायक हो सकता है। और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है लेकिन आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधित सभी चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। धीरे धीरे यह आपके जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप सूर्य पूजा करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।